पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद जवान अमर रहे घोषणासह पाकिस्तान ध्वजाचे दहन करून मुस्लिम समाजाने आपला निषेध व्यक्त केला. प्रथमतः मुस्लिम महिलांची लक्षवेधी उपस्थिती. पुलवामा येथील भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी जळगाव शहरातील मुस्लिम समाजाची एक बैठक मुस्लिम ईदगाह ट्रस्टचे सचिव व मनियार बिरादरीचे अध्यक्ष फारुक शेख यांनी अत्यंत कमी वेळात गफ्फार मलिक व करीम सालार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोलावली असता त्या सभेत सुमारे 1000 पुरुष, महिला, विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचा स्वेच्छेने सहभाग नोंदवला. निषेध सभेत जमियतचे रागीब जहागीरदार, अशफाक पिंजारी, इकराचे प्राचार्य डॉक्टर सुजात अली, प्राध्यापक डॉक्टर फिरदोस शेख, करीम सालार, गफ्फार मलिक यांनी भाषणाद्वारे निषेध नोंदविला. सभेचे प्रास्ताविक रूपरेषा व आढावा फारुक शेख यांनी सादर केला. दोन गटातर्फे पाकिस्तान ध्वजाचे दहन करण्यात आले. महिला गटात रुखसाना सालार, हाजरा फारुक, फिरदोस शेख, मलिक यांनी, तर पुरुषांमध्ये सईद पटेल, प्रोचांद खान, ऍडव्होकेट आमिर शेख यांनी दहन केले. नंतर 2 मिनिटे शांत उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. संतोष धिवरे, जळगाव. कि अगर पाकिस्तान के अंदर टैंक लगाने के लिए हमने कोशिश की तो पाकिस्तान की जमीन भी हमारे लिए कम पड़ेगी, इतनी ताकत हिंदुस्तान के साथ में है. अब सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाकिस्तान से बात की जाए, आमने सामने बात की जाए. और हम तो सरकार से ये भी डिमांड करते हैं, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान में अमल सता रहा था, वहां पर लोगों के पर जुल्म हो रहा था, उठा के 2 मिनट में 2 टुकड़े कर दिए. आज बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तरह वहां जुल्म हो रहा है. हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि बलूचिस्तान को भी आजादी दिलाए और दहशत गर्दों का नायनाट करके इस मुल्क के अंदर अमन और शांति कायम रखने में हुकूमत हमारे लिए काम करे. धन्यवाद.